नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्रोनेक्स्ट में, जहां पर हम आपको खेती से संबंधित सारी जानकारी देते हैं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे बुआई के दौरान ध्यान रखने वाली बातों की और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके का इस्तेमाल कर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। किसान भाइयों, बुआई करने का हमारा एक ही पुराना तरीका है, छींटा मारना यानी कि ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग करने के साथ हमारा बीज भी ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी हम इस तरीके का ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम लाइन सोइंग की बात करेंगे, यानी कि कतार में बुआई करना। कतार में बुआई करने से हमारा बीज भी कम लगता है और हमारी पैदावार भी अच्छी होती है। ब्रॉडकास्टिंग से की गई बिजाई में हमारा बीज एक सामान्य नहीं पड़ता, कहीं कम और कहीं ज़्यादा पड़ जाता है, और इसके साथ ही पौधों को एक सामान्य स्पेसिंग भी नहीं मिल पाती, जिसके कारण सूर्य की रोशनी भी पौधों को नहीं मिलती। और दूसरी तरफ अगर हम लाइन सोइंग की बात करें तो उसमें कतार में होने के कारण पौधों को एक सामान्य सूर्य की रोशनी मिलती है और वो एक सामान्य ही बढ़ते हैं। इस तरीके को अपनाने के साथ ही हम पौधों की संख्या को भी मेंटेन कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। कतार में होने के कारण पौधों को पोषक तत्वों के लिए एक दूसरे से कम्पीट नहीं करना पड़ता और इससे पौधों की देखभाल भी आसानी से की जा सकती है। तो किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल की बिजाई करने जा रहे हैं तो आप लाइन सोइंग तरीके का इस्तेमाल कर ही उसकी बिजाई करें, इससे आपकी उत्पादकता अच्छी होगी। आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपकी अपनी पशु और फसल संबंधित कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान हमारी एप्लीकेशन पर पोस्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।